हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो सीएसएस सीखने की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 के बारे में। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टी, जैसे मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ क्या होती है। और इसके बाद यहाँ पे हम कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो कि सीएसएस आउटलाइन प्रॉपर्टी है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी तक हमने 13 वीडियोज हैं सीएसएस में अपलोड कर दिए। और लास्ट वीडियो में हमने सीएसएस का प्रैक्टिस सेट 2 किया था, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया था। और मैं आशा करूँगा कि वो सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा देख के, और एक्सरसाइज आपने बनाई होगी। अगर नहीं बनी तो आपने देख के तो एटलीस्ट उसको बना ही लिया होगा, और जो भी सॉल्यूशन मैंने करवाया था वो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 2 था सीएसएस का जो ईमानदारी से बनाया है, तो अभी मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। मैं देखता हूँ कितने लोग हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और अभी भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मुझे पता है कि हार्डली 1 या 2 स्टूडेंट ही होंगे जो इसको ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं और जो मैं एक्सरसाइज देता हूँ उनको बनाते हैं। सो कितने लोग हैं जिन्होंने इस एक्सरसाइज को बना लिया है, चाहे देख के ही बनाया हो सॉल्यूशन देख के, अभी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें यस सर मैंने कंप्लीट बना लिया है और मैं अभी तक की सीरीज को पूरा यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, सारी वीडियोज को देख रहा हूँ। ओके, सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, मैं मेरा काम करता आ रहा हूँ ईमानदारी से, और अगर आप भी कर रहे होंगे तो आपके लिए ही भला है, इस चीज़ में फ़ायदा है आपको ही, अदरवाइज़ मेरे को तो कुछ यहाँ पे लॉस और फ़ायदा है नहीं। आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, आप देखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, आप नहीं देखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा नहीं रहेगा। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। सो चलिए चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। लेट से मैं चैप्टर नंबर 14 है ये, और इसमें मैं सीएसएस पार्ट 14 और इसको मैं एज एचटीएमएल फाइल यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और ये हमारे पास एचटीएमएल फाइल सेव हो चुकी है। मैं एचटीएमएल की बेसिक बॉयलर प्लेट ले आता हूँ और इसमें मैं टाइटल डाल देता हूँ, लेट्स से सीएसएस पार्ट 14। ओके, लेट्स से सीएसएस ट्यूटोरियल पार्ट 14, और यहाँ पे बॉडी टैग आ जाएगा। और बॉडी टैग के अंदर मैं अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको आपको बताने वाला हूँ। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक H2 हेडिंग यहाँ पे रख लेता हूँ और इसमें भी मैं लिख देता हूँ CSS मैक्सिमम हाइट एंड मिन हाइट प्रॉपर्टी। ठीक है, वो आपके ऊपर है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर मैं कोई डमी टेक्स्ट यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं वर्ड रैप भी कर देता हूँ ताकि आपको सारा कुछ के लिए यहाँ पे दिखाई दे। ऑलराइट, तो ये हमारे पास एक H2 टैग यहाँ पे मैंने काम में लिया, एक हेडिंग टैग काम में लिया, एक पैराग्राफ मैंने बनाया है। इसको मैं सेव करके अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये हमें दिखाई देगा। और मैं यहाँ पे एक तो पैराग्राफ और रख लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करके लेट से कुछ मैं थोड़ा सा टेक्स्ट है उसको बड़ा करना चाहता हूँ इस तरीके से, और इसको अब मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इस तरीके से हमें ये दिखाई देगा। ओके, तो दो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे काम में लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे हमारा H2 टैग है, एलिमेंट है, या कह सकते हैं पैराग्राफ एलिमेंट है, और मैं एक ही पैराग्राफ रहने देता हूँ इसको, चलो मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा ये पैराग्राफ है और जो भी एलिमेंट हमारे होते हैं, मैं इसको जूम आउट जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो जो भी हमारा एलिमेंट होता है वेब पेज में, तो उसकी जो हाइट है, हाइट प्रॉपर्टी हमने देखी है कि हाइट और विड्थ हम कितना रख सकते हैं, वो सेट कर सकते हैं हमारे हिसाब से। अगर हम कुछ भी हाइट विड्थ सेट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हाइट और विड्थ क्या होती है, ऑटो होती है, यानी ऑटोमेटिक होती है। तो अभी देखो इसकी हाइट आपको दिखाई नहीं दे रही, हाइट का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे वेब पेज में कितना स्पेस वर्टिकली
ले रहा है तो वो हाइट हो जाएगी इसका। तो ये अभी आपको तब दिखाई देगी जब मैं इस पर कुछ बॉर्डर यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक CSS लिखता हूँ, और CSS में मैं क्या करता हूँ, मैं पैराग्राफ टैग है उसके लिए मैं कुछ बॉर्डर यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। और बॉर्डर रखेंगे मैं 1-2 pixel और सॉलिड और हेड, ओके, ताकि आपको क्लियर इसका बॉर्डर है वो दिखाई दे जाए। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये जो बॉर्डर है, अब ये इसकी हाइट है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसकी हाइट आपको क्लियर समझ आ जाए कितना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ हाइट और विड्थ किसी भी एलिमेंट की सेट नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक होती है, यानी ऑटो होती है, यानी वो ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। जितना कंटेंट होता है उतनी ही उसकी हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। तो आप देखोगे अभी इसका जितना कंटेंट है उसके हिसाब से ये हाइट ले रहा है। मान लीजिए मैं इसका कंटेंट है उसको और बढ़ा देता हूँ, जो इसका कंटेंट है मैं इसको और बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए जो ये मेरे पास कंटेंट है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं और बढ़ा दिया मैंने। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा सेव करके, तो आप देखोगे कि इसकी हाइट है जो जितना कंटेंट था उतनी ऑटोमेटिक बढ़ चुकी। मतलब इसकी हाइट ऑटोमेटिक है। अगर मैं इसकी कंटेंट को ज़्यादा करूँगा तो इसकी हाइट ऑटोमेटिक उसके हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी। इसकी हाइट को मैं कम करूँगा तो इसके कंटेंट को मैं कम करूँगा तो इसकी हाइट ऑटोमेटिक उस कंटेंट के हिसाब से कम हो जाएगी। तो अभी ये मैंने ज़्यादा किया, मान लीजिए कि मैं इसके कंटेंट को कम करता हूँ। तो आप देखोगे मैं इसके कंटेंट को मान लो कम कर देता हूँ तो इसका कंटेंट कम होगा तो इसकी हाइट भी ऑटोमेटिक उस कंटेंट के हिसाब से कम हो जाएगी। तो इतना आपको समझ आ गया, अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी हमने कुछ हाइट और विड्थ इसकी सेट नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक इसकी हाइट की वैल्यू क्या होती है, ऑटो होती है, जो ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। तो अब अगर हम चाहें कि इसकी हाइट और विड्थ है वो हम यहाँ पर फिक्स करें, हम चेंज करना चाहें हमारे हिसाब से, हम रखना चाहें ऑटोमेटिक नहीं रहना चाहते, तो मैं सेट कर सकता हूँ। हाइट प्रॉपर्टी होती है, मैं हाइट और विड्थ हमेशा काम में लेता आया हूँ तो आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसकी हाइट है वो लेट्स से मैं 100 पिक्सल्स है जो रखना चाहता हूँ, तो मैंने 100 पिक्सल इसकी हाइट कर दी। अब अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी हाइट है वो 100 पिक्सल है, देख सकते हो 100 पिक्सल है। अब ये हाइट इसकी इतनी ही रहेगी, चाहे आप कंटेंट को ज़्यादा करें चाहे कंटेंट को आप कम करें, क्योंकि हमने आपकी इसकी हाइट है जो फिक्स कर दी कि इसकी हाइट मान लीजिए मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल। तो अब इसकी हाइट है जो फिक्स हो गई 150 पिक्सल, चाहे कंटेंट कम हो या ज़्यादा हो हाइट इतना ही रहेगा। तो देखो कंटेंट ज़्यादा हो रहा है तब भी हाइट इसका उतना ही है, कंटेंट बाहर निकल जा रहा है उसकी हाइट 150 पिक्सल ही रहेगी। अगर मैं इसके कंटेंट को कम भी कर देता हूँ, अगर मैं इस कंटेंट को कम भी कर दूंगा तब भी इसकी हाइट इतना ही रहेगी। मैंने इसके कंटेंट को कम किया तो आप देखोगे तब भी इसकी हाइट इतना ही रहेगा, क्योंकि हमने इसकी हाइट को फिक्स कर दिया है, और हाइट फिक्स कर दी हमने कितनी, 150 पिक्सल। तो इसकी हाइट 150 पिक्सल ही रहेगी, चाहे इसका कंटेंट कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो ये आपको समझ आ गया, अगर हम हाइट है कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑटो होगी, यानी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। अगर हम कुछ हाइट की वैल्यू दे देंगे तो देखो वो उस ही वैल्यू पे फिक्स कर देगा, चाहे फिर उसका कंटेंट कम हो या ज़्यादा हो उसकी हाइट उतना ही फिक्स हो जाएगी। अब ये हाइट की वैल्यू है ना, ये हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, ऐसे 150 पिक्सल मैंने दिया, आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं 25%, आप पॉइंट्स में या सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे 250 सेंटीमीटर। तो आप इसकी हाइट है जो पिक्सल्स पॉइंट परसेंटेज में कैसे भी यहाँ पर दे सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो कहने का मतलब ये हाइट की वैल्यू हम फिक्स कर देंगे तो उसकी हाइट उसी वैल्यू पे फिक्स हो जाएगी। लेकिन यार हम चाहते हैं कि हम हाइट की वैल्यू को फिक्स ना करना चाहें, हम तो ऐसे करना चाहते हैं कि इसकी कुछ मैक्सिमम और मिनिमम हाइट है वो मैं डिफाइन कर सकूं, कि मैक्सिमम तो इतनी जा सकती है और मिनिमम इतनी जा सकती है, ऐसा कुछ मैं फिक्स कर सकता हूँ। तो इसकी यहाँ पे CSS की एक और प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टी होती है, मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट। तो मैं यहाँ पे अगर मैक्सिमम हाइट है, मैक्स और हाइट ये प्रॉपर्टी होती है, मैक्स हाइट, तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम हाइट डिफाइन कर देता हूँ, मान लीजिए मैं मैक्सिमम हाइट 250 पिक्सल्स कर देता हूँ या मैं मैक्सिमम हाइट 300 कर देता हूँ, 300 पिक्सल्स। तो अब मैंने क्या किया, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे हाइट को, ठीक है, तीन प्रॉपर्टी होती है, हाइट, मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट, कोई एक ही काम में लेंगे।
तो अब मैं मैक्सिमम हाइट इसकी डिफाइन कर देता हूँ इतना, तो अब क्या हो जाएगा कि उस एलिमेंट की मैक्सिमम हाइट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 300 पिक्सल तक ही जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया कि मैक्सिमम इसकी इतनी ही हाइट हो सकती है। तो मैक्सिमम 300 हो सकती है, 300 पिक्सल, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, उससे कम हो सकती है, क्योंकि हमने मिनिमम का कुछ डिफाइन नहीं किया क्राइटेरिया, मैक्सिमम डिफाइन कर दिया है। तो अब मैं इसको सेव करूंगा और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम हाइट है, मैं इसको 350 पिक्सल करूंगा, तब आपको थोड़ा समझ आएगा। तो देख सकते हैं, एक मिनट, तो अब एक मिनट, इसका मैक्सिमम हाइट है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। हाँ, वो मैंने वैल्यू क्या ज़्यादा ले ली थी। तो मान लीजिए मैंने मैक्सिमम हाइट को कितना कर दिया, मैंने मैक्सिमम हाइट 200 पिक्सल कर दी, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा सेव करके, तो आप देखोगे कि इसकी मैंने 150 पिक्सल करा। ओके, तो अब ये मैक्सिमम हाइट मैंने 150 पिक्सल कर दी, तो इसकी हाइट है इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए 150 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैंने मैक्सिमम हाइट 150 पिक्सल कर दी। तो अब मैं इसका कंटेंट ज़्यादा भी करूँगा तो भी हाइट इतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो ही नहीं सकती ना हाइट, तो इसका कॉन्टेंट ज़्यादा है, तब देखो कॉन्टेंट बाहर चला जा रहा है। अगर मैं इसके कॉन्टेंट को कम कर देता हूँ, तब भी इसका कॉन्टेंट है, तब इसकी हाइट क्या होगा, अगर मैं इसके कंटेंट को कम कर देता हूँ तो क्या होगा, तो इसकी हाइट है उस कंटेंट के हिसाब से कम हो जाएगी। देखो कम हो गई, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट दे रखी है कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, मैक्सिमम इतना ही हो सकती है, कम तो कितना भी हो सकता है, तो कम तो उस कॉन्टेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक हो जाएगी, पर ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर मैं इसकी हाइट है उसको कंटेंट को ज़्यादा करूँगा तो वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती 150 पिक्सल से, क्योंकि मैंने मैक्सिमम हाइट है जो 150 पिक्सल डिफाइन कर रखा है। इसी तरीके से मैं मिनिमम भी डिफाइन कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं मिनिमम हाइट देना चाहता हूँ, तो मैं दे सकता हूँ क्या, इसकी मिनिमम हाइट है जो 100 पिक्सल है उससे कम नहीं हो सकती, ज़्यादा हो सकती है 100 से, बट मिनिमम 100 दे रखिए, 100 से कम नहीं हो सकती। तो अब देखना, मैं इसको सेव करके और रिफ्रेश करता हूँ, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो तो 150 पिक्सल्स होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, और मिनिमम है जो 100 से कम नहीं हो सकती। तो अब इसके कंटेंट को अगर मैं कम भी कर देता हूँ, अभी मैंने इसका कंटेंट कम किया था तो कम हो जा रही थी इसकी हाइट कंटेंट के हिसाब से, बट मैं इसके कंटेंट को कम कर देता हूँ तो आप देखोगे कि इसका कंटेंट मैंने कम किया तब भी इसकी हाइट है जो 100 पिक्सल से कम नहीं होगी। देखो ये 100 पिक्सल है, इससे कम नहीं होगी, क्योंकि मैंने मिनिमम हाइट भी इसकी दे रखी है यार, 100 पिक्सल से कम नहीं होना है, चाहे कंटेंट कम हो ज़्यादा हो, मिनिमम मैंने डिफाइन कर रखा है 100 पिक्सल से कम नहीं होनी चाहिए, तो इसकी हाइट 100 पिक्सल से कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी यहाँ पे आपकी मिनिमम और मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी। तो मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। हाइट होती है उसकी कुछ पर्टिकुलर हाइट डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट होती है कि उसकी हाइट है जो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, कम हो सकती है, और अगर मिनिमम हाइट डिफाइन कर देंगे तो उससे कम उसकी हाइट नहीं हो सकती, ज़्यादा हो सकती है। और अगर हमने मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट दोनों डिफाइन कर रखी है, जैसे इसमें देख रखे हो आप यहाँ पे, तो क्या होगा, मिनिमम 100 पिक्सल से कम नहीं होगी और मैक्सिमम 150 पिक्सल से कम ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरीके से आप हाइट का क्राइटेरिया किसी एलिमेंट का डिफाइन कर सकते हो। तो ये तो हमने बात कर ली अभी हाइट की, मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ये हमने हाइट की बात कर ली, ये हमारे पास कुछ कॉन्टेंट था। अब हम बात कर लेते हैं विड्थ की, जैसे विड्थ होती है तो इसी तरीके से हाइट की, जैसे ही विड्थ यहाँ पे होती है तो अब हम इसी तरीके से मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ भी यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट है और मैंने मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट को कमेंट कर दिया है, तो ये इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जितने भी विड्थ है वो यहाँ पे लेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अभी हमने कोई भी विड्थ यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ऑटो, यानी वो ऑटोमेटिक जितनी भी स्क्रीन की साइज़ है उतनी विड्थ यहाँ पे वो ले लेगा। अब देखो यहाँ पे जो
विड्थ है, यानी जो विड्थ प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे काम आती है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए, यानी कि हमारी वेबसाइट है जो कौन सी डिवाइस में यहाँ पे खोली जा रही है, कितनी बड़ी स्क्रीन में वो खोली जा रही है, जैसे मोबाइल में है या टैबलेट में है या लैपटॉप में है या फिर टीवी में खोली जा रही है, तो स्क्रीन की विड्थ है, वो साइज़ है, वो किस डिवाइस में खोली जा रही है, उसके लिए यहाँ पे हम मैक्सिमम वेट, मिनिमम विड्थ और यहाँ पे विड्थ प्रॉपर्टी है उनको काम में लेते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट जब अलग अलग डिवाइस में ओपन की जाए, अलग अलग डिवाइस में चलाई जाए, तो वो किस तरीके से वहाँ पे दिखाई देनी चाहिए वो हम कुछ इसके द्वारा यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यानी कि हम विड्थ है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हम आगे बनाएंगे, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट और तरीके से बना सकते हैं, बट ये विड्थ को कि हमारी किस स्क्रीन में या किस साइज़ की स्क्रीन में कितनी विड्थ यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी की सहायता से। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ की। तो मान लीजिए मेरे पास ये पैराग्राफ एलिमेंट है और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं विड्थ प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, मैं यहाँ पे विड्थ है वो डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 700 पिक्सल, तो मैंने इसकी विड्थ 700 पिक्सल कर दी, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसकी विड्थ है वो यहाँ पे 700 पिक्सल हो जाएगी, इससे ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि इसकी विड्थ है वो फिक्स हो जाएगी 700 पिक्सल, ना इससे ज़्यादा होगी ना इससे कम होगी। अब मैं यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन में तो इसको ओपन कर नहीं सकता, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे गूगल क्रोम अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होता है, अगर आप क्या करेंगे यहाँ पे F12 यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, तो F12 प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक मिनट इसको मैं अनलॉक कर दूँगा ताकि ये अलग विंडो में अलग उसमें ओपन हो जाएगा विंडो में, तो इसको मैं मिनिमाइज कर दूँगा। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हो आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अलग अलग डिवाइस में तो हम इसको ओपन नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या है यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है गूगल क्रोम में, तो जिसको आप F12 प्रेस करके ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे डायमेंशन और रेस्पॉन्सिव यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इसकी डायमेंशन है यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, तो रेस्पॉन्सिव लाइव यहाँ पे हम देख सकते हैं डायमेंशन को कम या ज़्यादा, इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा करके यहाँ पे देख सकते हैं कि वो इस विड्थ पे या इस साइज की स्क्रीन पे कैसे दिखाई देगा। तो अभी आप देखोगे इसकी विड्थ यहाँ पे हो रखी है 704 यानी 704 पिक्सल, और इसकी हाइट यहाँ पे हो रखी है 673 पिक्सल। ओके, तो अब हमने क्या कर रखा है, हमारे एलिमेंट की यहाँ पे हमने विड्थ यहाँ पे फिक्स कर रखी है 700 पिक्सल। तो अगर अब यहाँ से भी इसको आप देखो कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप वैल्यू एंटर कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर मैं इसको देखो, इसकी स्क्रीन की विड्थ है, इसको मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, तो फिर भी देखोगे इसकी विड्थ है वो इससे ज़्यादा नहीं हो रही है 700 पिक्सल से, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ है वो 700 पिक्सल यहाँ पे फिक्स कर रखी है। तो मैंने इसकी साइज़ को ज़्यादा किया, तब भी आप देखोगे इसकी विड्थ है वो 700 पिक्सल ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और अगर मैं इसकी साइज़ को कम करता हूँ तो भी आप देखोगे कि इसकी साइज़ है वो यहाँ पे 700 पिक्सल से यहाँ पे कम नहीं होगी, वो 700 पिक्सल ही रहेगी। आप देख सकते हो इस तरीके से इसको यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो विड्थ है वो 700 पिक्सल से कम नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने इसकी विड्थ है वो 700 पिक्सल यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। तो आप चाहे इसको ज़्यादा करें चाहे कम करें, इसकी विड्थ है वो 700 पिक्सल रहेगी। और अगर मैं यहाँ से इसको एग्जैक्ट 700 कर देता हूँ तो वो देख सकते हैं बिल्कुल कंटेंट है जो फिक्स है, जितनी उसकी साइज़ है उतना ही कंटेंट यहाँ पे, उतना ही ये साइज़ यहाँ पे ले पा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे विड्थ है वो डिफ़ाइन कर सकते हो, लेकिन आप मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अब इसकी मैं कुछ मैक्सिमम विड्थ है वो फिक्स कर दूँ या मिनिमम विड्थ है वो फिक्स कर दूँ कि इससे कम नहीं हो सकती या फिर इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो सकती। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ मैक्स विड्थ, ठीक है, तो इसको तो मैं विड्थ को तो यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ,
ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और मैक्सिमम विड्थ मैं लेट से 800 पिक्सल यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब क्या हो गया, अब हमने यहाँ पे फिक्स बता दिया है कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, 800 पिक्सल है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। कम तो हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 800 पिक्सल है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अब मैं इसको सेव करके और अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे इसकी जो विड्थ है वो 800 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होगी। अगर मैं स्क्रीन को यहाँ पे इतना करूँगा तो आप देखोगे अभी, तो देखो ये जब तक 800 पिक्सल ना होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो डायमेंशन, तो तब तक 800 पिक्सल नहीं होगी तब तक तो ये बढ़ती जाएगी। देखो जैसे स्क्रीन बढ़ा रहा हूँ वो स्क्रीन की साइज लेता जा रहा है, इस तरीके से बढ़ती जा रही है। अब जैसे 800 पिक्सल हुआ आप देख सकते हो यहाँ से आगे, जैसे 800 पिक्सल होगा तो अब ये यहाँ पे रुक जाएगा और मैं स्क्रीन की साइज़ को बड़ा करता हूँ तब भी ये इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ कम करूँगा तो कम हो जाएगा, देख लीजिए आप कम हो रहा है। जैसे मैं स्क्रीन साइज कम करता चलूँगा तो इसकी विड्थ ऑटोमेटिक यहाँ पे कम होती जा रही है, और बढ़ाता जाऊँगा ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, लेकिन कहाँ तक बढ़ेगी, 800 पिक्सल तक बढ़ेगी। जैसे ही 800 पिक्सल होगा वहाँ पे रुक जाएगी कि इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हमने मैक्सिमम विड्थ है वो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो देखो ज़्यादा करेंगे तो उससे ज़्यादा नहीं होगी, हाँ कम हो सकती है क्योंकि हमने मैक्सिमम बता रखा है कि 800 पिक्सल, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम तो हो सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे यार मैं मिनिमम विड्थ है उसको भी डिफाइन कर दूं कि यार मिनिमम इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैंने मिनिमम 200 पिक्सल, या मैं कह सकता हूं कि मिनिमम मैंने मान लीजिए 400 पिक्सल है वो यहां पे डिफाइन कर दिए कि मैक्सिमम तो 800 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मिनिमम है वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम है जो 400 पिक्सल से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कितनी भी छोटी स्क्रीन में उसको ओपन करें, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम है 800 पिक्सल और मिनिमम है 400 पिक्सल। तो आप इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब आप देखोगे कि अगर मैं इसकी विड्थ को मैक्सिमम कर रहा हूँ, देखो अभी इतना है, ज़्यादा करूँगा तो बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक जितना कंटेंट होएगा उसके हिसाब से, स्क्रीन की उस साइज़ के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम 800 है तो देखो 800 से आगे रुक गया, अब 800 से आगे ये नहीं बढ़ेगा क्योंकि मैक्सिमम 800 है और मिनिमम हमने 400 कर रखा है। तो अभी देखो इतना है, मैं जैसे इसकी साइज़ को कम करता जा रहा हूँ ये कम होती जा रही है ऑटोमेटिक, देखो स्क्रीन की साइज़ के हिसाब से, लेकिन मिनिमम मैंने 400 बता रखा है कि इससे कम नहीं हो सकती। तो जैसे ही 400 होगा उससे कम होना ये बंद हो जाएगा। देखो अभी तो कम हो रहा है तो कम हो रही है उसके हिसाब से, लेकिन आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे 400 जाएगा तो उससे कम होना बंद हो जाएगा। अभी देखो कम हो रही है, अब देखो अब जैसे ही 400 हो गई तो इससे कम ये नहीं हो रही, देखो यहाँ पे तो कम हो रही है, अब जैसे ही 400 हुआ इससे कम, अब देखो इससे कम नहीं हो रही है, देखो इससे कम नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए, इससे कम नहीं होगी। अगर हम ऐसे कर देते हैं तो आप इसको इस तरीके से स्क्रॉल करके देख सकते हैं, लेकिन ये देख सकते हो इससे कम यहाँ पे वो नहीं होगी, फिक्स है 400 फिक्स है, इससे कम नहीं होगी। अब जैसे ही ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगी, 800 से ज़्यादा नहीं होगी, कम करूँगा तो कम हो रही है देखो, लेकिन 400 से कम नहीं होगी, 400 पे आके रुक जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारी वेबसाइट है या हमारा वेब पेज है वो अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग स्क्रीन में किस तरीके से दिखाई देना चाहिए वो हम मैनेज कर सकते हैं मैक्सिमम विड्थ और मैक्स मिनिमम विड्थ और विड्थ प्रॉपर्टी की सहायता से। तो मैक्सिमम विड्थ में क्या देखा, मैक्सिमम हम रेंज फिक्स कर देंगे कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, और मिनिमम में मिनिमम फिक्स हो जाती है कि इससे कम नहीं हो सकती है, और अगर आप विड्थ डिफाइन करोगे तो फिक्स हो जाएगी, इतना ही रहेगा, ना कम ना ज़्यादा। ओके तो ये तो था मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट और मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इस सब को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। ये बॉर्डर है इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो एक लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे और देखने वाले हैं हम, जो है सी एस एस आउटलाइन प्रॉपर्टी, और वो बिल्कुल बॉर्डर के जैसे ही है। मैंने इसको देखो सेव किया और मैंने सारा कमेंट कर दिया सी एस एस, तो अब यहाँ पे कोई बॉर्डर वगैरह यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। और मैं क्या करूँगा, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमें दिखाई दे रहा है, ओके तो अब देखो कोई इस पे बॉर्डर वगैरह नहीं है। तो अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है सी एस एस आउटलाइन, आउटलाइन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, आउटलाइन क्या होती है कि जो भी हमारा एलिमेंट है उसके बॉर्डर पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो भी हमारा एलिमेंट है
उस पे एक एक्स्ट्रा बॉर्डर यहाँ पे कह सकते हो, एक बॉर्डर ड्रॉ करना। मैंने बोला था कि बॉर्डर के जैसी होती है लेकिन बॉर्डर नहीं होती है, बॉर्डर अलग चीज़ है और आउटलाइन अलग चीज़ है। तो आउटलाइन प्रॉपर्टी है जो क्या है, एक कह सकते हो कि एक एक्स्ट्रा बॉर्डर है, आप ऐसे समझ सकते हो। और ये क्यों ड्रॉ की जाती है, क्यों ये काम में ली जाती है, ये हमारे एलिमेंट पे कुछ इफेक्ट्स डालने के लिए काम में ली जाती है। तो जैसे यहाँ पे भाई माउस को उस पर होल्ड करो तो उस पर बॉर्डर आ जाए, आउटलाइन आ जाए, तो वो एक एक तरीके से हम कह सकते हैं विजुअल इफेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए उसको काम में लिया जाता है। ये बॉर्डर की जैसी होती है लेकिन बॉर्डर नहीं होता है। और बॉर्डर में और आउटलाइन में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो आउटलाइन मैं डिफाइन करता हूँ, आउटलाइन और बॉर्डर के जैसी है। तो बॉर्डर के जैसे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी हम दे सकते हैं कि आउटलाइन मैं चाहता हूँ कि 2 पिक्सल्स की आउटलाइन चाहता हूँ और सॉलिड आउटलाइन चाहता हूँ, और वो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लू कलर की आउटलाइन चाहता हूँ, 2 पिक्सल की सॉलिड और ब्लू कलर। मैंने इसको सेव किया और रिफ्रेश किया, तो अब आप देखोगे इस पे एक आउटलाइन आ चुकी है। अब आपको तो लगेगा कि ये बॉर्डर ही है लेकिन ये बॉर्डर नहीं है, और ये बॉर्डर के जैसी है लेकिन ये बॉर्डर नहीं है। तो आप देख सकते हो आउटलाइन यहाँ पे आ चुकी है, 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। अगर मैं यहाँ पे, अब आप बोल रहे हैं बॉर्डर है क्या, तो मैं बॉर्डर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। बॉर्डर मान लीजिए मैं करता हूँ 1 पिक्सल का सॉलिड और मैं उसको रेड करता हूँ और सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे बिल्कुल जूम करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा, मैं बॉर्डर को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, 2 पिक्सल का कर देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे बॉर्डर है वो है रेड वाला और ब्लू वाला है आउटलाइन। तो मैं इसको जूम करता हूँ तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि देखो बॉर्डर है और उसके बाद आउटलाइन है, यानी बॉर्डर के बाहर एक दूसरा बॉर्डर आउटलाइन होता है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो बॉर्डर में और आउटलाइन में डिफरेंस क्या है, बॉर्डर है जो है हमारा एलिमेंट है उसकी डायमेंशन का पार्ट होता है, यानी बॉर्डर क्या होता है हमारी जो डायमेंशन है एलिमेंट का उसका हिस्सा होता है, लेकिन आउटलाइन है जो हमारी एलिमेंट की डायमेंशन का पार्ट नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको जैसे बॉर्डर है बेसिकली जो हमारा जो एलिमेंट है उसकी डायमेंशन होती है, जैसे सबसे पहले बॉर्डर कॉन्टेंट होता है और कॉन्टेंट के बाहर बॉर्डर होता है, बॉर्डर के बाहर उसकी पैडिंग हो जाएगी और पैडिंग के बाहर मार्जिन होता है, तो ये सारी क्या है, ये डायमेंशन है। तो बॉर्डर होता है उसके बाहर पैडिंग होती है फिर मार्जिन होता है, तो ये सारी क्या है, बॉर्डर है जो हमारे डायमेंशन है वेब पेज की उसमें इंक्लूड होता है, लेकिन जो आउटलाइन है वो डायमेंशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है, वो बस एक इफेक्ट देने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। अब इफेक्ट देने के लिए कैसे काम में लेते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मान लीजिए कि ये पैराग्राफ है, अब इफेक्ट देने के लिए कैसे काम में लेते हैं, मान लीजिए मैं इस बॉर्डर को तो हटा देता हूँ, बॉर्डर जैसा बताने के लिए था कि बॉर्डर अलग होता है आउटलाइन अलग होता है, तो मैंने यहाँ पे इस आउटलाइन को भी कमेंट कर दिया है। तो इफेक्ट जैसे आप कुछ भी समझ सकते हो, मान लीजिए कि आप पैराग्राफ पे होवर करते हो तो आप चाहते हो कि जैसे इस पे होवर करें तो आउटलाइन आ जाए 2 पिक्सल की और सॉलिड और ब्लू आ जाए, तो मैं इसको सेव करूंगा रिफ्रेश करूंगा, तो देखो अभी इस पे कोई आउटलाइन नहीं है लेकिन मैं इस पे जैसे माउस को लाऊंगा तो आउटलाइन आ जाएगी। तो बेसिकली ये बटन्स के लिए काम में लिया जाता है, जब बटन्स वगैरह हम आगे और देखेंगे CSS बूटस्ट्रैप में, तो वहाँ पे आप देखोगे आउटलाइन वाला बटन होता है, तो वो इसी में देखो यहाँ पे आपको सर्च करके बताता हूँ, आउटलाइन बटन्स इन बूटस्ट्रैप। तो जैसे मैं बटन्स देखूंगा बूटस्ट्रैप में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बटन्स बनाने के लिए भी ये काम में ली जाती है। जैसे मैं नीचे जाऊंगा और मैं बटन देखूंगा, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना आउटलाइन बटन्स, तो ये होते हैं आउटलाइन बटन। देखो इन पे एक आउटर लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखो ये जो आउटलाइन सिर्फ लाइन लाइन दिखाई दे रही है, तो ये होती है आउटलाइन जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये होती है आउटलाइन, ये बॉर्डर नहीं होगी, ये आउटलाइन है। तो आउटलाइन बटन्स भी होते हैं, तो इस तरीके से आप बटन बनाना चाहते हो तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे काम में लेना होगा आपको, या ले सकते हो अगर आप CSS की सहायता से आउटलाइन बटन्स बनाना चाहते हैं। तो आउटलाइन प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी, बॉर्डर के जैसी ही है सेम, बट बॉर्डर नहीं है, बस इतना समझ लेना है। और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि बॉर्डर है जो हमारे डायमेंशन का हिस्सा होता है लेकिन आउटलाइन हमारे डायमेंशन का हिस्सा नहीं होता है। अब ये बॉर्डर आपने, सॉरी आउटलाइन आपने इस तरीके से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, यानी उसकी विड्थ है, उसका स्टाइल है और उसका कलर है, वो तीनों एक ही लाइन में डिफाइन कर दिया जैसे बॉर्डर में हमने किया था इस तरीके से। इसको आप अलग अलग भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, यानी आप तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हो। ये तो है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, यानी एक ही लाइन में तीनों को लिख दो।
लेकिन आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन विड्थ को आप अलग लिख सकते हो। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि आउटलाइन विड 300 पिक्सल, तो इसकी विड्थ है वो 300 पिक्सल हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे आउटलाइन है वो 300 पिक्सल की आएगी, बट इसका कलर हमने डिफाइन नहीं किया है तो वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, आउटलाइन है इसका कलर भी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से रेड, और इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। तो एक मिनट, आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन कलर एंड आउटलाइन स्टाइल, वो मान लीजिए मैं कर देता हूँ सॉलिड, और इसको मैं सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 3 पिक्सल और सॉलिड और रेड यहाँ पे आउटलाइन आ चुकी है। तो कहने का मतलब है आप आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन कलर और आउटलाइन स्टाइल, इन तीनों को अलग अलग भी यहाँ पे सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हो, और इनको आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यानी एक लाइन में भी इस तरीके से आप दे सकते हो, 2 पिक्सल, सॉलिड, रेड। अब जैसे बॉर्डर की वैल्यूज होती थी सॉलिड, डॉटेड, डबल डॉटेड, डैश्ड, तो ये अलग अलग इसकी वैल्यूज हो सकती है। जैसे आउटलाइन स्टाइल जरूरी नहीं सॉलिड ही होता है, ये डॉटेड भी हो सकता है, यानी डॉट डॉट की आउटलाइन यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से, और डैश्ड भी होती है, डबल भी होती है, डैश्ड भी होती है, यानी डैश डैश करके यहाँ पे आउटलाइन आ जाएगी। तो जैसे बॉर्डर थी सेम उसी तरीके से, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ऐसे समझ सकते हो आउटलाइन एक एक्स्ट्रा बॉर्डर होता है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये थी यहाँ पे आउटलाइन प्रॉपर्टी, और एक और है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग भी मैं जल्दी से आपको बता ही देता हूँ। लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेटर्स हैं उनके बीच में स्पेस वाली प्रॉपर्टी। जैसे हमारे ये लेटर्स हैं, एलिमेंट है मान लो पैराग्राफ है, इनके बीच में जो भी लेटर्स लिखे हैं, तो इनके बीच में जैसे ये लेटर्स है तो इनके बीच में कितना स्पेस यहाँ पे हम रखना चाहें वो भी हम मैनेज कर सकते हैं, तो वो होता है लेटर स्पेस। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी होती है लेटर स्पेसिंग। अगर मैं नॉर्मल करूँगा तो नॉर्मल जो भी बाय डिफॉल्ट उसकी नॉर्मल स्पेस होती है वही रहेगी। अगर मैं लेटर स्पेस की वैल्यू नॉर्मल करूँगा तो नॉर्मल जितनी स्पेस होती है लेटर्स के बीच में वही यहाँ पे रहेगी। अगर मैं इसको बढ़ा सकता हूँ तो मैं पिक्सल्स में इसकी वैल्यू दे सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ 10 पिक्सल, सेव करूँगा और मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखोगे इस तरीके से जो हमारे लेटर्स हैं, लेटर्स यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में 10 पिक्सल का, देखो तो लॉरे में इनमें जो अक्षर है इनके बीच में 10 पिक्सल का स्पेस आ चुका है। तो 10 पिक्सल ज़्यादा हो गया इसलिए ऐसा लग रहा है। मान लीजिए मैं इसको करता हूँ 7 पिक्सल, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हो गया 7 पिक्सल, यानी जो हमारे अक्षर हैं जैसे इप्सम है लॉरे में, तो इनके बीच में जो अक्षर हैं IPSUM, इनके बीच में करेक्टर्स के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए तो वो हम मैनेज कर सकते हैं। इसको मैं 3 पिक्सल कर दूँगा तो ये देखिए इस तरीके से 3 पिक्सल हो जाएगा, और इसको मैं 1 पिक्सल कर दूंगा तो देखिए ये इनके बीच में 1 पिक्सल है उनका स्पेस हो जाएगा। और अगर मैं 0 पिक्सल कर दूंगा या नॉर्मल कर दूंगा तो जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होती है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो आप इनके बीच में जो अक्षर्स हैं करेक्टर्स हैं इनके बीच में स्पेस भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, नॉर्मल वैल्यू दे सकते हो उसकी या फिर उसकी पिक्सल्स में वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो, 1, 2, 3 पिक्सल जितना भी स्पेस आप चाहते हो। तो ये होती है लेटर स्पेसिंग। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, और यहाँ पे आउटलाइन देखा, और हमने लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी के बारे में देखा। सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी का जो आगे का टॉपिक है वो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसकी हार्डली 1-2 वीडियोस और आएंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ CSS है जो कंप्लीट होने वाली है, मुश्किल से 2 या 3 वीडियोस और आएंगी इसकी, उसके बाद CSS है जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी मेरे साथ में CSS को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। जो भी एक्सरसाइज, जो भी वीडियोज़ मैंने बताया, जो भी टॉपिक पढ़ाया है, सारा कुछ आप मेरे साथ में यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप पीछे चल रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सारी वीडियोज़ को जरूर देख लें, क्योंकि अब HTML पूरा हो जाएगा, CSS पूरा हो जाएगा, और बूटस्ट्रैप हम स्टार्ट कर देंगे तो आपके ऊपर गार्डन यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। और मैं CSS की प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे करवा रहा हूँ, और 1-2 प्रैक्टिस सेट मैं लेके आऊँगा CSS में ही, उसके बाद हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे। देखो आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, आप साथ में देख रहे हो, सारी वीडियो देख रहे हो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो वो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। अभी के लिए आपको समझ आ जाएगी, 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर आप याद रख सकते हो, लेकिन बाद में आप भूल जाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और एक बार अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको कभी नहीं भूल सकते। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं जितना हो सकता है 2-4 प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, वो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आपको भी खुद से यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ही माहिर और एक्सपर्ट आप वेब डेवलपमेंट में होते चले जाओगे। तो प्रैक्टिस ज़रूर से करें, और देखो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दिया करो,
और शेयर कर दिया करो वीडियो को दोस्तों के साथ, अगर कोई है जिसके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है तो उसको भी बता दिया करो, और लाइक करके फीडबैक जरूर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार वीडियोस को देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, ऐसा करना बिल्कुल फ्री होता है, और ऐसे करने से क्या होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे, और अगर आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे तो आपको पूरी सीरीज़ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करके पूछिए, मैं उनको सॉल्व करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को, आपके डाउट को दूर करूँगा, लेकिन आपको वीडियो देखना है, आपको पूछना है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। सो बस दैट्स इट फॉर टुडे, आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।